हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। 2021 में जो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। कल एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि 10 जनवरी से मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 17 फरवरी से, उसका एडमिट कार्ड 10 जनवरी को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज 10 जनवरी को सभी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जो है वह अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इजीली यानी आसानी से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचा दीजिएगा जो इस बार बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं उस वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ठीक है, और सर्च बार में टाइप करेंगे। ठीक है, मैं वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप वहां से आसानी से पहुंच जाएंगे जहां से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, या नहीं तो डिस्प्ले पर मैंने जो लिंक लिख रखा है उसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल करके आएगा, पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपसे स्कूल कोड मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। इसमें सारा का सारा आपको देना है। ठीक है, स्कूल कोड डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरीके से दिया गया डैश करके उसी तरीके से आपको डालना है। ठीक है, सबसे पहले रोल कोड है, उसके बाद जो मतलब जितना रजिस्ट्रेशन नंबर टोटल आपको डालना, उसके बाद जिस तरीके से स्लैश करके आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया उसी तरीके से स्लैश डाल करके डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं सारा चीज़ डाल लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारा डिटेल डाल दिया है और सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने इसको हाइड कर रखा है। ठीक है, आपको भी सारा चीज़ डाल लेने के बाद क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, चलिए अब सर्च वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा वो इजीली खुल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसी को क्या करना है, थोड़ा सा जूम कीजिएगा और जूम करने के बाद राइट कॉर्नर पर आइएगा। राइट कॉर्नर पर जैसे आएंगे तो आप यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पीडीएफ है, पीडीएफ वाले पर प्रिंट करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा सेव करने का ऑप्शन, आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव कर लेने के बाद आपका ये फाइल में सेव हो जाएगा और आप इसको जब चाहे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए जिसको इस पर बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है, ताकि वो सारा चीज़ अपना डाउनलोड कर पाएँ और देख लें कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है। ठीक है, यदि गलत है तो उसमें आपको करेक्शन करने का टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने साइंस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारा कंप्लीट करा रखा है इस चैनल पर। मॉडल सेट का भी मैंने आंसर की जारी कर दिया है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।